हम क्या करेंगे उन रीजनल लैंग्वेजेस का एलेक्सा का जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब उनको ठीक है, वो उनके पास एक फीचर्स है एक्सेप्ट, बट उनके पास कॉन्फिडेंट तो नहीं है ना कि जो छोटी गाड़ी होती है कंपैरिजन की, अगर हम फॉर्च्यूनर या दूसरे किसी गाड़ी को कंपेयर करें, एलेक्सा मूड पे एसी ऑन कर देते हैं या देते हैं इसके अंदर बैठे-बैठे वो कर देते हैं ऑन कर देते हैं, तो मतलब वो कहते हैं कि देख यार नंदी जी, नंदी देख भाई, ऐसी ऐसी बात है। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, मैं फिर उनको कहता हूँ तो एक काम कर, चलो हम एक लॉन्ग टूर पे चलते हैं, लुक लाइक कहीं लद्दाख चले गए, या कहता नहीं यार मतलब किंतु परंतु रहता है कि नहीं यार चलो एक बार पहले चेकअप करवा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो चेकअप कर लेता हूँ, तो वो उनको मन में थोड़ा फोबिया रहता है, डर रहता है। बट मेरी गाड़ी को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे रात को निकलना होता है ना तो मैं रात को भी निकल जाता हूँ। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम बहुत सारे लोगों की फेवरेट, या बोल सकते हैं कुछ लोगों को नापसंद भी है वैसे ये गाड़ी, पता नहीं कितने लोग हैं, मुझे पता ना वैसे कमेंट्स में कितने लोग हैं जो टोयोटा फॉर्च्यूनर को नापसंद करते हैं। बेसिकली आज का वीडियो दोनों चीज़ों को लेकर होने वाला है। हमेशा मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ क्योंकि मैं इस गाड़ी को ओन करती हूँ, तो मेरे को आज तक बहुत ज़्यादा कमियाँ गाड़ी के अंदर नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन यस हो सकता है कि विद टाइम लोगों ने और चीज़ें एक्सपीरियंस की हो जो शायद मेरे से स्किप ऑन हो गई हो, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करने वाले हैं, इसके प्राइस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग फ्यूचर में इस कार को प्लान कर रहे हैं उन्हें प्लान करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस कार का नया जनरेशन भी लाइंड अप है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूं नंदी चौधरी सर का और उनके बहुत स्वीट से बेटे संजय का। हाय हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हेलो मैम, नाइस टू। अच्छा सर को आप पहचान चुके होंगे, वैसे इनकी जब कार की डिलीवरी हुई थी तब भी इन्होंने हमें इनवाइट किया था, एज अ फैमिली ही हमें ट्रीट करते हैं, तो सर की कार हमारे लिए बहुत स्पेशल भी है। इसका प्रॉपर हमने डिलीवरी पे हम लोग गए थे, सर ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया था, और ये गाड़ी वो होता ना कि फिर हम कनेक्टेड हो गए, और सर के लिए नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर ने हमारे सजेशन पे इस कार को खरीदा। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारा सजेशन सर के लिए कितना यूजफुल रहा या कुछ खराब। सर पहले कुछ खराब चीजों से शुरू करेंगे आज। देखिए अगर आज एक मिडिल क्लास का व्यक्ति एक आज फॉर्च्यूनर लेता है तो वो सोचता है कि ठीक है जी मैंने कितना बड़ा अमाउंट पेयर करा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा मतलब अगर हम बात करें सनरूफ की बात करें वो थोड़ा सा अंदर फीचर्स की बात करते हैं बेसिकली, तो अगर हम दूसरी गाड़ी से कंपेरिजन करते हैं तो वो उनमें फीचर्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। फॉर्च्यूनर के अंदर मुझे नहीं समझ नहीं आता कि कंपनी क्यों इतना भी नहीं है देते थे मुझे। और रही बात देखो फीचर्स के मामले के अंदर, अगर हम दूसरी कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं कि भाई आज दूसरी गाड़ियाँ जाती हैं वो भाई एलेक्सा मूड आ गया, उनका स्टीरियो काफी बड़ा आता है और प्लस क्या साउंड विजन काफी अच्छा आता है, एटलीस्ट वेलकम लाइट दे दो, गुड बाय लाइट दे दो, कुछ तो दे दो, वेलकम तो कर लो भाई हमारा। बट मैं एज अ लाइक क्लाइंट कि मतलब भाई हम लोग इसके फॉर्च्यूनर लवर हैं, तो मैं तो बट आगे सेगमेंट जो आने वाला है या 2024 या मतलब 2025 में कुछ नई फॉर्च्यूनर आ रही है, तो मतलब मैंने सुना है फिलहाल अभी कि भाई शायद वो रूख सनरूफ वगैरह दे रहे हैं, रूफ भी दे रहे हैं, हाइब्रिड भी आ रही चांसेस हैं, तो लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये बड़ा एक प्राउड मोमेंट रहेगा फॉर्च्यूनर लवर वालों के लिए कि एटलीस्ट मतलब कुछ ना हो के कुछ तो मिल रहा है बेसिकली। चलो फीचर्स में गाड़ी हमारी हाइब्रिड तो हो गई। देखिए कोई कुछ तो फीचर्स वाइज हाइब्रिड हो जाती है, ये तो देखिए बहुत लगता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ना बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें जो आपको 5-10 लाख की गाड़ियों में भी बहुत सारे मिल जाती हैं, टाटा तो बिल्कुल ऐसे बीट करके धोती है इस गाड़ी को फीचर्स के मामले में, बिल्कुल सही सारी चीजें वो दे देते हैं, और यहाँ पर हमें लगता है यार ये भी नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ कि एक 30 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर जो मैंने टाटा सफारी देखी है, कि हम 30 या 32 लाख रुपए के सेगमेंट में जाते हैं तो वो बेसिकली एक मतलब आदमी को लगता है वर्थफुल है। आपको पता है आप अपने उस कार में से सफारी के अंदर से अपने घर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल भैया एसी को बंद कर दो, ये कर दो, यहाँ पे गाड़ी ना बंद हो चिल्ला चिल्ला के। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आज हम बुराई की बेसिकली कंसेप्ट पे जा रहे हैं, आज हम बुराई तो थोड़ा सा मतलब आज फॉर एग्जांपल कि अगर आज कोई क्लाइंट जो है 50 से 55 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो आदमी चाहता क्या है कि भाई एटलीस्ट फीचर्स हो, और फीचर्स के अंदर देखिए क्या होता है कि आउटर शेप को तो ठीक है हम लोग जस्टिफाई करते हैं, बट थोड़ा अंदर बैठने के बाद ना एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए इंसान के पास कि नहीं यार अंदर बैठे यार लगा कि यार कहीं अच्छी जगह बैठे, और वो चीज है आज छोटी सर अगर मैं डील दूं कि जितने में आपने गाड़ी खरीदी आपको बहुत अच्छी खासी रीसेल दे देते हैं, आप इसको सेल आउट कर दो मैं ही खरीद लेती हूँ, चलो आपको टाटा सफारी लेनी है, अब आप कल से टाटा सफारी चलाएंगे, चलाओगे? नहीं 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 देखो इस मूवमेंट में बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, तो उसका रीजन क्या है, देखो आई एम द फॉर्च्यूनर लवर, देखो क्या हो कि आज एक फॉर्च्यूनर के बैठने के बाद ना हमारी दिक्कत क्या है ना, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि हमें पता है सफारी में ये चीज है या हेक्टर में वो चीज है, इसमें ये चीज है, उसमें वो चीज है, हमें सब पता है ग्लॉस्टर में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, अलग ही लग्जरी का फील आ रहा है, लेकिन हम इस गाड़ी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? उसका एक रीजन है सिर्फ नाम।
नाम भी और रीसेल बहुत खतरनाक है सीरियसली। गाड़ी को बेचने चलो ना आप। देखिए आज जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो एक इन्होंने गवर्नमेंट ने एक 10 साल का क्राइटेरिया बना रखा है कि आप डीजल गाड़ियां लेते हैं वो 10 साल तक जो है वो चलेगी गाड़ियां, लेकिन आज आप 9 या 9.5 साल के बाद भी अगर इस गाड़ी को ड्राइव करके किसी मार्केट में इसे सेल आउट करते हैं तो भी एटलीस्ट आपको एक सफिशियंट अमाउंट मिल जाता है। मिल जाता है। फिर दूसरा देखो क्या है कि आज आप ना एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने के बाद ना अपने आप ही आपका थोड़ा सा अपना एक लेवल जो है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। ठीक है हम फीचर्स के मामले में मतलब थोड़ा बहुत ठीक है कम है या वैसे ही आ रहा है, बट फिर भी आदमी को लगता है नहीं यार मतलब गो फॉर दैट, वही नाम है बेसिकली। मतलब बेसिकली वही वाली बात है कि पता नहीं वो क्या एक्स फैक्टर है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि यार नहीं है, बहुत ऑडियंस भी करती है, सब लोग हम लोग सब करते हैं यार। चलिए सबकी बात कर रही हूँ जनरली, लेकिन कुछ है कार के अंदर। चलिए मैं इसको ना एक दूसरे तरह से वाइस करके उसका एग्जाम्पल को कोट करता हूँ। लुक लाइक आप रजनी जी आप इतने बड़े मतलब काफी बड़े यूट्यूबर हैं, काफी सोशल नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये तो एक बड़े लोगों का बड़े अच्छा बड़प्पन है कि आप इतनी बातें कहते हैं कि भैया भाई इतने बड़े होने के बाद भी आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो देखो हर इंसान ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रांड को लेके चलता है या लाइक उसको एक प्राउड होता है कि बेसिकली ये ब्रांड है और ये चीज़ें हैं, तो वो है। दूसरा कंसर्न क्या है कि हर इंसान के अंदर ना कुछ एक अच्छाई छुपी होती है, इसी तरह गाड़ी के अंदर भी ना कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई है इंजन। और दूसरा क्या है कि सबसे अब चलो हम बुराई तो बहुत कुछ कर सकते हैं, चलो हम थोड़ा सा अच्छाई की तरफ अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। जब बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, कम से कम देखो भाई अब इतनी बुराई करिए तो अच्छाई के बाद भी आना चाहिए ना। क्या होता है कि कई बार अच्छाई बुराई पे ज़्यादा हारी पड़ती है, तो कई बार ये कंसेप्ट हो जाता है। अच्छाई की बात करते हैं कि इंजन पार्ट से लेके सर्विसेज को लेके और माचो वाली फीलिंग बेसिकली सिंपल से अच्छा, आपकी कार को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। मुझे संचय ने बताया 1 year + 8 months होगा। संचय बताएगा कुछ बातें अपनी गाड़ी के बारे में। इसने मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार तू तो बड़ा हो गया, तू तो छोटा सा बच्चा मिला था मुझे, तो कह रहा है 1.5 साल हो गए हैं, तो कार 1.5 साल पुरानी हो गई है। 1.5 साल में आपने सर्विस वगैरह कराई है? सर्विस वगैरह मैंने करवाई है। कितना पैसा खर्च हुआ? देखिए इकोनॉमिकली अगर सर्विस की बात करें तो अभी थर्ड सर्विस हुई थी तो 7,000 to 8,000 के आसपास लगा था, और पहली सर्विसेज की फ्री रहती है, सेकंड सर्विसेज में करीबन मेरे को शायद 4,000 to 4,500 रुपए के आसपास का बेरअप देना पड़ा। वही वाली बात है ना कि 40-50 lakh रुपए की गाड़ी अगर हम खरीद रहे हैं और सिर्फ 7-8 हज़ार रुपए में उसकी सर्विस हो रही है, उससे ज्यादा खुशी का मोमेंट भी तो नहीं होता। देखो जी क्या होता है ना, 7,000 देने बस 8,000 ये लो यार, कीप द चेंज। अब क्या होता है ना जी, इंसान जोश उसमें खाना खा तो लेता है, लेकिन कंसर्न जब बिल आता है ना तो बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन बिल आता है ना, तो महसूस होता है कि नहीं खाना वर्थेबल था जी। कार सफेद हाथी नहीं है, वो हाथी को पालने वाला वो खर्चा बाद में नहीं मांगती। एक बार तो आपका पैसा लगेगा लेकिन बाद में आप बहुत कूल हो जाते हो। अच्छा नंदी जी अब आप बताओ, संचय तुम बताओ बेटा, पापा तो ज्यादा ही गाड़ी की तरफ इंक्लाइंड से लग रहे हैं मुझे, तुम बताओ, तुम ट्रिप वगैरह पे जाते हो, तुम तो गाड़ी भी नहीं चलाते, सिर्फ तुम्हारा बैठने का काम है, कितनी कंफर्टेबल कार लगती है? कंफर्ट है बट लास्ट सीट में बिल्कुल कंफर्ट। अरे आपने माइक नहीं लगाया, वाह लो। कंफर्ट तो है पर लास्ट सीट में जो थर्ड रो है वहां पे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, और फर्स्ट रो भी अच्छी है, सेकंड रो भी काफी अच्छी। लास्ट रो में काफी दिक्कत आती है जैसे काफी, जैसे 3-4 घंटे बैठ गए तो थोड़ा लेग में क्रैम्प वगैरह भी आता है कभी कभार, बैक में भी पेन होता है कभी कभार। हाँ वो ज्यादा रिक्लाइन भी नहीं हो रही है, वो दिक्कत तो है। मतलब 7-seater इसे नहीं कहना चाहिए, 5-seater व्हीकल है कंफर्टेबली अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स को वो जाना है। अच्छा छोटे मोटे में चल जाएगा लास्ट रो? छोटे मोटे में 1-2 घंटा इतना चल जाएगा, मतलब छोटा सा जाना है 1-1.5 घंटा बस। जनकपुरी में गोलगप्पे खा के आ रहे हैं, यहाँ जाना है यहाँ जाना है, ठीक है गुड़गांव चलेगा, साइबर हब तक है ना। कोई ऐसा आपका मोमेंट हुआ है आज तक कि बिल्कुल इस गाड़ी ने आपको प्राउड फील करा दिया? हाँ मतलब देखो एक्चुअली मुझे मतलब ना कई बार क्या मतलब प्राउड क्या मतलब कई बार बड़ा अच्छा सा महसूस होता है कि होता क्या है कि कई बार मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो उनकी जो छोटी गाड़ी होती है कंपैरिजन की, अगर हम फॉर्चुनर या दूसरे किसी गाड़ी को कंपेयर करें तो वो अपनी गाड़ी से अपने फीचर्स को ऑन कर देते हैं, अलेक्सा मोड पे एसी ऑन कर देते हैं या कुछ फीचर्स को ऑन कर देते हैं, बैठे बैठे वो कर देते हैं ऑन कर देते हैं, तो मतलब वो कहते हैं कि देख यार नंदी जी ये नंदी देख भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, मैं फिर उनको कहता हूँ तू एक काम कर मेरी वाली गाड़ी को और अपनी वाली गाड़ी को, क्या अपने कॉन्फिडेंट है कि चलो हम एक लॉन्ग टूर पर चलते हैं, लुक लाइक कहीं लद्दाख चले गए या कहीं और चले गए, तो वो एक उनके मूवमेंट में एक कहता नहीं यार मतलब किंतु परंतु रहता है कि नहीं यार चलो एक बार पहले चेकअप करवा लेता हूँ,
ये कर लेता हूँ, वो चेकअप कर लेता हूँ, तो वो उनको मन में थोड़ा फोबिया सा रहता है, डर रहता है। बट मेरी गाड़ी को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे रात को निकलना होता है ना तो मैं रात को भी निकल जाता हूँ। मुझे अपनी गाड़ी पे या फॉर्च्यूनर पे इतना ट्रस्ट रहता है कि ये कहीं पर भी बंद नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि मैंने एक अच्छी चीज़ किया कि मेरे पास 4x2 है। जब मैं 4x4 की तरफ जा रहा था तो कई लोगों ने सजेस्ट करा कि नहीं 4x2 मतलब 4x2, बट आई एम सो लव कि भाई मैं 4x2 के अंदर भी इको मूड के अंदर काफ़ी ट्रेवल्स करता हूँ तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई नहीं आज तक भी कभी भी किसी भी तरह की। तो ये एक प्राउड मोमेंट है। अब उनको ठीक है, वो उनके पास एक फीचर्स है एक्सेप्ट, बट उनके पास कॉन्फिडेंट तो नहीं है ना। वो कॉन्फिडेंट इंसान के कॉन्फिडेंस तो आप लैक करते हैं। ये गाड़ी वो तो देती है आपको सेफ्टी फील होती है, फैमिली के साथ किसी भी टाइम पे हम लोग निकल सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो अगर भैया आप लोग फॉर्च्यूनर प्लान कर रहे हैं ना तो यू हैव मल्टीपल रीजंस, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं फीचर्स पे तो आप इस कार को ले सकते हैं। एक बार ख़रीदने के बाद ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा मांगती है। अगर इसी बजट में हम दूसरे ब्रांड्स पे जाएं ना, लग्जरी ब्रांड्स की मैं बात करूँ, प्रीमियम ब्रांड्स की बात करूँ, आपके पास ऑडी में भी ऑप्शन है, आपके पास BMW में भी है, मर्क में भी है, वॉल्वो में भी है, लेकिन फिर सर्विस देख लेना, वहाँ पे सर्विस पैक भी देख लेना एक बार। अच्छा नंदी जी, एक चीज़ और बता दो आप मुझे, जैसे हमने लोगों को सजेस्ट किया कि अगर आप इस बजट पे जा रहे हो तो ये गाड़ी आपकी चॉइस हो सकती है, अब यहाँ पर एक मेन सवाल आता है 4x2 या फिर 4x4। मैं 4x4 को बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद करती हूँ, मुझे एक मेंटल पीस रहता है कि यार हाँ मेरी गाड़ी में सब कुछ होना चाहिए, मेरा वो है। लेकिन 4x2 में भी कुछ दिक्कत हुई है आपको ऐसा? देखिए एक्चुअली मुझे बेसिकली ये समझ नहीं आता कि भाई लोग बाग 4x2 या 4x2 में क्यों इतना मतलब कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं। अगर हम बात करें देखो 4x2 और या 4x2, मैं अगर आज मेरे पास 4x2 है, मेरे टायर्स के वजन को देखिए या मैं अपने गंजन की कैपेसिटी को चलाता हूँ, तो उस कंसेप्ट में होता क्या है कि मैंने ये चीज़ अपने काफ़ी जगह खेतों में, मड में, नहरों में, कीचड़ में, इवन क्या कि बड़े बड़े पहाड़ों पर ऊपर चढ़ा दिया, तो मुझे आज तक तो कोई महसूस नहीं हुआ कि ये 4x2 थी या 4x4 है। तो कई बार क्या होता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, अननोन बैठे होते हैं, तो वो शॉकिंग करते हैं कि भाई ऐसी सी बात है कि भाई शायद ये गाड़ी जो है आपकी 4x2 है या 4x4 है। तो मैं उनको कुछ कहता ही नहीं, जब मैं डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कहता हूं कि मेरे भाई ये 4x2 गाड़ी है, अपना सीक्रेट रखते हैं तब तक। अच्छा मतलब आपका पॉइंट है कि 4x2 लीजिए गाड़ी या फिर 4x4 लीजिए, नंदी जी को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए मुझे इस बारे में कोई भी कभी महसूस नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिकली कहा है कि बहुत सारी चीजें जो करके देखी है एक्सपेरिमेंट, 4 से 5 लाख रुपए का फर्क है दोनों वेरिएंट्स के अंदर। हाँ मैडम एक्चुअली शायद मेरे हिसाब से करीबन 3-4 लाख रुपए के आसपास, आप ठीक है 4 लाख रुपए के आसपास का फर्क है। तो आप देख लीजिए आपकी क्या प्रेफरेंस है। अगर 4x2 में देखिए मेरे पास 4x4 है तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो लगा देती हूँ 4x4। जैसे मेरे को कुछ दिखता है मैं तो सीधा एंगेज करती हूँ, मैं तो देखती हूँ उसकी पावर को ही। रियल क्या है कि मैं आज 4x2 को प्रैक्टिकली अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे तो किसी भी जगह के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं। आप शिमला की बात करें, मैं लेह लद्दाख चला गया, आइस में भी चला गया, तो मुझे तब भी कोई ऐसी शिमला तो बहुत जनरल सा है, जनरल सा शिमला की इतनी हाइट्स भी नहीं है। चलिए जी ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं होने वाला, वही हमारा चलता रहता है बहसबाजी का, फीचर्स नहीं है लेकिन गाड़ी में ये है, गाड़ी में वो है, वो फीचर दे सकते थे, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं गाड़ी में चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। लेकिन फॉर्च्यूनर लवर ही रहेगा। मैं नंदी जी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इतनी अच्छी अच्छी डील दे दी मैं उन्होंने, गाड़ी खरीद लूँगी यार जितने आप पैसे बोलेंगे उतने में खरीदूंगी, लेकिन आप सफारी लोग हैं फिर नहीं मान रहे हैं वो। अच्छा हाइब्रिड आएगी तो आपका मूड है हाइब्रिड पे जाने का? नहीं नहीं मैं देखो एक्चुअली कंसर्न क्या है, मैं रिसेंटली सफारी की मतलब बोलना चाहूंगा कि मेरे दोस्त ने ना बेसिकली अभी मुश्किल से 3 महीने की सफारी थी भी, और एक दिन की बात है कि रात को मतलब उसी की एक अच्छी पार्किंग स्लॉट थी, तो मैं वैसे जनरली मैं उसको ड्राइविंग करने का मूड नहीं था मुझे, तो मैंने अपनी गाड़ी को पार्क की और रात को उसको कहा कि भाई चल तेरी वाली गाड़ी में हम चलते हैं। तो जैसे उसने ऑन करी ना तो गाड़ी ऑन ही नहीं हुआ, बताया फीचर्स की बात कर। सिर्फ 3 महीने के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई। और मैं मेरी गाड़ी कई बार क्या होता है कि बाहर चला जाता हूँ, आइस रहती है तो उसके अंदर भी मेरे को एक सेल्फ मारना पड़ता है और स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे उन रीजनल लैंग्वेजेस का, एलेक्सा जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो नहीं, वैसे आई एम अ टाटा लवर, ऐसा नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैं टाटा की कोई गाड़ी खरीदती नहीं हूँ, तो यार आप मेरे कुछ पीछे वीडियो जाके देखिए, मैंने अपनी भाभी को अभी पंच दिलाई थी टाटा पंच, तो ऐसा नहीं है, टाटा की गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी भी होती है, फॉल्ट्स भी आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट गाड़ियों में कॉमन है, लेकिन यस ये डेफिनेटली मेंशन करेंगे कि इस गाड़ी में वो टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत 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 ही ज़्यादा कम है, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए ये लोग इसकी तरफ अटक जाते हैं इंक्लूडिंग मी। एक फीचर्स की बात आती है कि बेसिकली देखिए अगर कभी भी आप देखिए कि भाई ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है, मतलब अगर हम बात करें
तो कहीं पर भी क्या होता है कि बहुत सारे अगर आपको फीचर्स मिलते हैं ना, तो कुछ लोग ठीक है जनरली मैं कहता हूँ कि वो उसे ऑपरेट करते हैं, कई लोग अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होंगे ना तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी आपको कन्फ्यूज करेगी और कहीं ऐसी जगह आप ड्रामेटिकल जगह के अंदर फंसे खड़े मिलेंगे कि जब आपको वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा कई बार। मैं ये मानता हूँ भाई इस चीज़ के लिए, अगर हम मतलब हम कंसेप्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक चीज़ है कि गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरी गाड़ी में मुझे लगता है कि अगर X7 की भी बात करें, इतनी सारी चीज़ें हैं और अचानक से आप मुझे बोलोगे ना यार ये चला दो वो चला दो, तो हम लोग नहीं करते हैं यूजुअली। या तो वो ऑटो के ऊपर होगा कि गाड़ी अपने आप जज करेगी, अदरवाइज हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ता। मेनली गाड़ी जब भी आप लोग प्लान करेंगे आप देखेंगे उसकी ड्राइव करके कि ड्राइव कैसी है। दूसरा आपको फोकस करना है उसके इंजन के ऊपर, जो सबसे मेन चीज़ है। गाड़ी को हर टाइम निहारना वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो ठीक है यार गाड़ी सुंदर है हो गया, लेकिन इंजन अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसकी रीसेल वैल्यू, कि यार जब बेचो गाड़ी को तो पैसा अच्छा खासा मिल जाना चाहिए। तो ये सब देखते हुए आप देख लीजिए, ये गाड़ी परफेक्ट चॉइस मेरी तो पहले भी थी, आज भी और आगे भी। मैं तो हाइब्रिड भी खरीदूंगी, और नंदी जी तो नहीं खरीद रहे, खरीदो आप भी। चलिए गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप रजनी में बात? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अच्छा गाड़ियाँ पसंद है? वैसे तो पसंद है बट ऐसे ही मैं बहुत पहले से देखता हूँ गाड़ी वगैरह के बारे में जानने का, गाड़ी की जाने की नॉलेज के लिए वो रहते हो। अच्छा बहुत पहले से, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा फोटो लेनी है?